सबसे पहले बड़ी खबर, रीट परीक्षा देने आया मुन्ना भाई चढ़ा पुलिस के हत्थे। रीट परीक्षा को लेकर जयपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। झोटवाड़ा थाना प्रभारी घनश्याम सिंह राठौड़ की बड़ी कार्रवाई, रीट परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी चढ़ा है पुलिस के हत्थे। पुलिस ने जालौर निवासी महेंद्र बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। वास्तविक अभ्यर्थी ओम प्रकाश के स्थान पर महेंद्र परीक्षा देने आया था। परीक्षा देने के एवज में 6 लाख रुपए लिए थे। एसीपी झोटवाड़ा प्रमोद स्वामी के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अब थाना प्रभारी घनश्याम सिंह आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, रीट परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। सत्यनारायण मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सत्यनारायण, रीट परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी पुलिस के हत्थे चढ़ा है, लेकिन ये बताइए कि इस कार्रवाई को अंजाम कैसे दिया गया है? दीपिका, देखिए जयपुर पुलिस सतर्क थी, किसी भी सूरत के अंदर परीक्षा में कोई डमी अभ्यर्थी ना बैठे। इसके लिए आज सुबह से ही जयपुर पुलिस ने स्ट्रिक्ट प्लान बनाया था। पहले आमेर थाना इलाके में फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया, उसके बाद में मुरलीपुरा थाना इलाके में संगीता बिश्नोई गिरफ्तार किया गया, जिसने की लाखों रुपए लिए थे परीक्षा में बैठने के लिए। और अब झोटवाड़ा थाना इलाके में महेंद्र सिंह बिश्नोई नाम का युवक, जो की जालौर का निवासी है, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसने 6 लाख रुपए लिए थे परीक्षा में बैठने के लिए। जो अभ्यर्थी है ओम प्रकाश, उसके स्थान पर यह परीक्षा देने आया था। इसने वादा किया था कि ये काफी पढ़ा लिखा है और ये किसी भी सूरत के अंदर परीक्षा पास करेगा और को दूसरे व्यक्ति को नौकरी मिल जाएगी। लेकिन पुलिस सतर्क थी, पुलिस ने अच्छी कार्रवाई करी है। तीनों स्थानों पर जो फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके फर्जी आधार कार्ड, फर्जी प्रवेश पत्र लिए गए हैं। पूछताछ में दोनों जगह जो बात सामने आई कि संगीता बिश्नोई ने 15 लाख रुपए लेने की बात कही है, वहीं ये जो झोटवाड़ा इलाके में पकड़ा गया है महेंद्र सिंह, इसने 6 लाख रुपए परीक्षा के लिए लिए हैं। ऐसे में अब माना जा रहा है कि इन जो आरोपी हैं, इनसे पूछताछ के बाद में और भी कोई अभ्यर्थी ने अगर परीक्षा दी होगी, अगर आज, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और जो कल जो परीक्षा होगी, उसके लिए पुलिस और भी सतर्क रहेगी, जिससे की इस पूरी परीक्षा के अंदर कोई भी फर्जी कैंडिडेट ना बन सके और जो वास्तविक कैंडिडेट है वही परीक्षा दे सके। दीपिका, बिल्कुल सत्यनारायण, ये जो गिरफ्तारी है वो कहाँ से हुई है? देखिए, ये गिरफ्तारी झोटवाड़ा थाने इलाके में जो खुली है, उसमें गर्ल्स गर्ल्स स्कूल है, वहां से इसको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि ये जो व्यक्ति है महेंद्र सिंह, ये परीक्षा देने बैठ गया था, लेकिन जब पुलिस को इनपुट मिला कि कोई व्यक्ति आया हुआ है जो दूसरे स्थान पर परीक्षा देने आया हुआ है, ऐसे में इसको तक चेक किया गया तो उसके पास में आधार कार्ड और जो परीक्षा पत्र है उसके अंदर भिन्न भिन्न फोटो पाई गई। तो ऐसे में शक होने पर जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, कह दिया कि हाँ, मैं 6 लाख रुपए लेकर आया हूँ और 6 लाख रुपए लेकर मैं इस परीक्षा में बैठने आया हूँ। जो हकदार है वो ओम प्रकाश है, वो भी जालौर का निवासी है। ऐसे में अब दोनों जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ करना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि कल भी पुलिस इसी प्रकार की कार्रवाई को अंजाम देगी। सत्यनारायण, और जिसके स्थान पर ये परीक्षा देने आया था, क्या उस तक पुलिस पहुंच पाई है? बिल्कुल, देखिए, जो ओम प्रकाश के स्थान पर ये महेंद्र सिंह परीक्षा देने आया था, ऐसे में ओम प्रकाश जो है वो वर्तमान में जालौर में मौजूद है। ऐसे में जालौर पुलिस को उसका इस बारे में अवगत करा दिया गया है कि ये जो फर्जी अभ्यर्थी है उसको ओम प्रकाश ने भेजा है। ऐसे में अब जालौर पुलिस कार्रवाई करेगी और जो ओम प्रकाश है उसको गिरफ्तार करेगी। फिलहाल पुलिस की प्राथमिकता है कि कल जो परीक्षा होगी उसमें कोई कैंडिडेट फर्जी ना बैठे। ऐसे में एक बार फिर से पुलिस ने अपनी कार्य योजना को बनाना शुरू कर दिया, जिससे की आज जो कार्रवाई हुई है उसके ऊपर कल कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को भी सतर्क रहे, कोई फर्जी कैंडिडेट इस परीक्षा में ना बैठ सके। ठीक है सत्यनारायण, बहुत शुक्रिया आपका ये विस्तार से जानकारी के लिए। तो डमी कैंडिडेट जो दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे, अब उनकी गिरफ्तारी हो रही है। एक महिला को इससे पहले गिरफ्तार किया गया, उसके बाद एक और गिरफ्तारी पुलिस ने की है।